24 अगस्त को राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा, प्रेसिडेंशियल ट्रेन से करेंगे सफर। यूपी में आज से शुरू हुई 6 से 8 तक की कक्षाएं, योगी सरकार द्वारा लिया गया फैसला। आगरा में बिल्डिंग गिरने से हुआ बड़ा हादसा, बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ हादसा, हादसे में 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। सोनभद्र में पुलिस ने लूट का किया पर्दाफाश, मां बेटे समेत 3 गिरफ्तार। सिद्धामनगर की राप्ती, नदी खतरे के निशान पर, ग्रामीणों को हो रही परेशानी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 अगस्त को लखनऊ आएंगे, यहां वो बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं 27 अगस्त को लखनऊ में सैनिक स्कूल की हीरक जयंती वर्ष पर पोस्टल स्टैंप का विमोचन भी करेंगे। राष्ट्रपति स्कूल के 1000 की क्षमता वाले आधुनिक प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बालिकाओं के छात्रावास की भी आधारशिला रखेंगे, साथ ही 28 अगस्त को राष्ट्रपति गोरखपुर दौरे पर जाएंगे, जहां आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और गोरक्षनाथ विवि में अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे। 29 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे, जहां रामलला के दर्शन करेंगे। इसे लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन से सुबह 9 बजे अयोध्या के लिए वो उसके बाद रवाना होंगे और 25 जून को राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से दिल्ली के सफदरगंज से कानपुर पहुंचे थे। रामनाथ कोविंद पैतृक गांव गए और करीबियों से मिलने के बाद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही लखनऊ आए थे। तो पिछली बार भी प्रेसिडेंशियल ट्रेन का सफर करा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ऐतिहासिक था वो लम्हा और एक बार फिर वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर करने वाले हैं। 26 से 29 अगस्त तक वो उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे, जिसमें कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में वो का शिलान्यास भी करेंगे, साथ ही साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करने वाले हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि योगी सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों की एक एक सड़क को कल्याण सिंह के नाम पर करने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि योगी सरकार ने प्रदेश के जिन 5 जिलों की एक एक सड़क को कल्याण सिंह के नाम पर करने का फैसला किया है, उसमें लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, शहर और अलीगढ़ है। यहां एक एक सड़क कल्याण सिंह मार्ग के नाम से होगी। लोक निर्माण विभाग इस संबंध में जल्द ही सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेगा। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क का नाम भी कल्याण सिंह मार्ग होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, राम भक्त स्वर्गीय बाबू जी के नाम लोक निर्माण विभाग अयोध्या, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, प्रयागराज में एक एक मार्ग के नाम होगा। बाबू जी ने राम मंदिर के लिए रास्ता छोड़ा, सत्ता छोड़ दी थी, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसमें दिवंगत कल्याण सिंह को लेकर उन्होंने ये बात कही है कि कल्याण सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाएगा। तो इसको लेकर प्रस्ताव पारित करने के आदेश भी अधिकारियों को पारित कर दिए गए हैं, जिसपे जल्द से जल्द सड़कों के नाम को कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही साथ राम मंदिर में आंदोलन के समय अपना सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में कल्याण सिंह का अयोध्या में भी मार्गों का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो राम भक्त स्वर्गीय बाबूजी के नाम पर लोक निर्माण विभाग अयोध्या, अलीगढ़, एटा, लखनऊ समेत कई जिलों में रास्तों का नाम सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग के नाम से अब पहचाना जाएगा। तो जिस तरह से आंदोलन में कल्याण सिंह ने अपनी सत्ता
छोड़ दी थी और उसको लेकर उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था कि अपने फैसले को लेकर उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कुर्सी को गंवाते हुए राम मंदिर को लेकर वो आंदोलन को लेकर आगे बढ़े थे, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने ये ऐलान किया है कि अयोध्या में भी सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मामलों में आई गिरावट का हवाला देते हुए कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि कक्षा 6 से 8 की ऑफलाइन कक्षाएं आज से शुरू हो जाएंगी, वहीं आज से कक्षा 6 से 8 की ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, जबकि कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल 1 सितंबर से फिर से खुलेंगे। सुबह 8 से 11 बजे तक और 11 से 2:30 बजे तक 2 पालियों में कक्षाएं चलेंगी। वहीं जूनियर कक्षाओं के लिए अभिभावकों से अनुमति जरूरी है। निजी स्कूलों में 30% और सरकारी स्कूलों में 20% अभिभावकों ने अपने बच्चों को अनुमति दी है। साथ ही स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो आज से एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है। बच्चों के स्कूल आने से स्कूलों में रौनक लौट आई है। एक बार फिर से कक्षाएं 6 से 8 तक की संचालित की जा रही है, जिसके चलते अब 2 पालियों में यानी कि 50% की क्षमता के साथ 2 पालियों में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें सुबह 8 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली 11:30 से 2:30 बजे तक की रखी गई है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का अहम रूप से पालन करना होगा। वहीं इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, आज से एक बार फिर स्कूलों की रौनक लौट आई है, बच्चे एक बार फिर से स्कूलों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं बच्चों के अंदर, किस तरह का स्थिति उत्साह है क्योंकि लंबे वक्त के बाद वो एक बार फिर स्कूलों में लौटे हैं? जी बिल्कुल कीर्ति, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को खोलने का एक आदेश जारी किया था, उसके बाद से सोमवार से स्कूल जो है वो खुलने थे, लेकिन पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जो अचानक मृत्यु हो गई थी उस वजह से राजकीय शोक घोषित हुआ था। उसके बाद आज से जो स्कूल है वो सुचारू रूप से जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं, और हालांकि बच्चों में अभी इतनी ज्यादा भीड़ स्कूलों में नहीं देखी गई, क्योंकि अभी ज्यादातर अभिभावकों में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर एक चिंता देखी जा रही है, जिस वजह से ज्यादातर स्कूलों में बच्चों की जो भीड़ है वो अभी काफी कम देखी जा रही है, क्योंकि बच्चों को लेकर वैज्ञानिकों ने भी तमाम तरीके के अलर्ट जारी किए हैं, जिसको लेकर अभी अभिभावक असमंजस में है कि उनको स्कूल भेजा जाए या फिर ना भेजा जाए। जी बिल्कुल शहबाज, अभी असमंजस की स्थिति है और सीएम ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो बच्चों को छुट्टी तत्काल दे दी जानी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी बच्चे को भी बुखार आता है इत्यादि के गाइडलाइंस भी पारित कर दिए गए। लेकिन अहम शहबाज हो जाता है इस वक्त कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना, तो कोविड को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं स्कूलों में, क्योंकि ये साफ तौर पर निर्देश पारित किया गया है कि हर पाली के बाद क्लासरूम को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाए, तो क्या ये स्कूलों में होता सुनिश्चित दिख रहा है, किस तरह से अभी स्कूलों में कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल कीर्ति, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्कूल जो है वो बच्चों के इस 2 पालियों में चलाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से साथ ही साथ जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है जो सारे स्कूलों को जो दे रखी है, और इसका जो इस पर नजर बनाने के लिए भी एक सरकार की तरफ से बाकायदा नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिन स्कूलों में काफी लापरवाही की जो बातें थी वो लगातार सामने आई थी, इसलिए सरकार जो है वो बाकायदा इस पर ध्यान दे रही है, और स्कूलों को यह आदेश दिया है कि अगर एक पाली की जो बच्चे अगर छुट्टी हो जाती है तो फिर दूसरी पाली की शुरुआत से पहले पूरी क्लास को सैनिटाइज करें, साथ ही साथ स्टूडेंट्स की जो उपस्थिति है उसकी अनिवार्यता नहीं है कि बच्चे स्कूल आए ही आए, इस तरीके का कोई प्रेशर स्कूल की तरफ से नहीं जारी किया गया है, और साथ ही साथ सभी को मास्क जो है वो अनिवार्य किया गया है, सैनिटाइजेशन अनिवार्य किया गया है, अभिभावकों से भी इसकी लिखित अनुमति भी लेनी होगी स्कूल को, ठीक, साथ ही साथ 50% क्षमता के साथ जो है स्कूल जो है वो संचालित किए जाने के जो आदेश हैं वो भी हैं, और तमाम ऐसी गाइडलाइंस हैं, और साथ ही साथ जो स्कूल केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा जो जारी किए गए हैं।
बिल्कुल शहबाज, और गाइडलाइंस के तहत ही अब स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है, और ये ज़रूरी भी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी कोविड को लेकर कोई लापरवाही स्कूलों में ना बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज से 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हो गई हैं, जूनियर क्लासेस 1 सितंबर से चालू करने के निर्देश दिए गए। हालांकि अभी कोई ज़बरदस्ती नहीं है अभिभावकों पर। निजी स्कूलों में 30% और सरकारी स्कूलों में 20% की क्षमता के साथ स्कूल में बच्चों ने प्रवेश किया, तो एक बार फिर से स्कूलों को खोल दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये सख्त ही निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो, कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अभिभावकों पर किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर। साथ ही साथ ऑनलाइन कक्षाएं जो संचालित हो रही थी वो उसी की तरह संचालित होती रहेंगी। बढ़ते हैं आगे। कानपुर देहात जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के रसधान गांव के समीप नेशनल हाईवे पर स्कूटी से भरा तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। तेज रफ्तार कंटेनर पलटने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था जिससे यह हादसा हुआ। स्कूटी से भरा कंटेनर हरियाणा के गुड़गांव धारूहेड़ से लोड करके जेपी होंडा लखनऊ जा रहा था। जैसे ही कंटेनर रसधान गांव के समीप पहुंचा तो ड्राइवर के नशे के चलते कंटेनर अनियंत्रित होकर और नेशनल हाईवे पर ही पलट गया। वहीं चालक परिचालक शीशा तोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर राहुल रसधान गांव का ही निवासी है, जो स्कूटी से कंटेनर लेकर लखनऊ जा रहा था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस कंटेनर को हटवाने का प्रयास कर रही है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है जिसके चलते कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि ट्रक ड्राइवर और कंटेनर चालक भी मौके से फरार है। रायबरेली के थाना खीरो क्षेत्र के कस्बे गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 6 साल का बच्चा अपने घर के पास स्थित तालाब किनारे अपने साथियों के साथ शौच के लिए गया था। तभी तालाब की मिट्टी चिकनी होने के चलते उसका पैर फिसल गया और वो तालाब के गहरे पानी में गिर गया। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिली, परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानंद में ग्रामीणों की मदद से बच्चे को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता की सहमति से बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तालाब में डूबने से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। मौत से गांव में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मासूम की तालाब में पैर फिसल गया जिसके चलते डूबने से ये हादसा हुआ। जौनपुर के रामपुर क्षेत्र के कौदेला गांव में 2 युवकों के नदी में डूबने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मछली मारने गए दोनों युवक पानी के बहाव की वजह से डूब गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश में जुट गई है। दोनों युवक भदोही जनपद के नई बाजार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दो युवकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शव ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि 2 युवक तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई है। जौनपुर से है ये खबर, जहां पर 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। आगरा के ताजगंज इलाके में एक आवासीय इमारत गिरने से हादसा हो गया। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। बता दें कि बर्थडे पार्टी मनाने के समय यह हादसा हुआ। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया है। तो आगरा में ये बड़ा हादसा हुआ जहां बिल्डिंग गिरने से कई लोग घायल हुए हैं और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। तो बर्थडे पार्टी के दौरान कई लोग उस समय मौजूद थे जब यह हादसा हुआ। तो 2 की मौत और 12 लोग घायल हैं। बता दें कि मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।
तो तत्काल प्रभाव से ये हादसा हुआ, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य मौके पर पहुंचे। दो लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आगरा के एक मकान की है जहां पर बिल्डिंग गिरने से बर्थडे पार्टी मातम में बदल गई। खुशी का माहौल किस कदर मातम में बदल गया, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जब एकाएक बिल्डिंग गिरने से 12 लोग घायल और 2 की मौत हो गई है, जिसमें कई बच्चे और बड़े शामिल हैं। तो बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि ये बर्थडे पार्टी चल रही थी, एक बर्थडे पार्टी संचालित की जा रही थी जिस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, बर्थडे पार्टी, खुशी का माहौल मातम में बदल गया, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल कीर्ति, मैं आपको बता दूं, ये आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के धांधूपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां जो बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, जहां 50 से 60 लोग वहां मौजूद थे पार्टी में, और खुशी का बहुत ही खुशी का माहौल था। तो अचानक से ही जैसे डीजे साउंड और जो जो डांस हो रहा था, उनके पैर छिड़क रहे थे, उसी दरमियान एक अचानक से छत गिर जाती है, और वो छत पहले सेकंड मंजिल से लेकर के दूसरी मंजिल को क्रॉस करते हुए ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती है। तो ये उसके नीचे जो 50 से 60 लोग थे, उनमें से कुछ लोग उस छत के नीचे, उस मलबे के नीचे, छत के मलबे के नीचे दब जाते हैं। वही लगभग 15 लोग उसके अंदर दब जाते हैं। तो वही घटना की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन आला अधिकारी सभी मौजूद हो जाते हैं, और 3 घंटे के पूरे मशक्कत रश्यू के बाद में वहां से 15 लोगों को बाहर निकाला जाता है, जिसमें से 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है, और 1 की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में वहां मृत्यु हो जाती है, और बाकी 1 दर्जन जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है जी। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी भी कोई और लोगों के दबे होने, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं 50 लोग इस बर्थडे पार्टी में शामिल थे, क्या अभी भी और लोगों के दबे होने की सूचना है, या तमाम लोगों को सुरक्षित, बाकी बच्चे लोगों को निकाल लिया गया बाहर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो बाकी लोग थे जो किनारे से जो खड़े हुए थे, जो बीच का जो पोर्शन था वही जो धसा था, तो उसके अंदर जो बाकी लोग सुरक्षित स्थान पर अपने आप ही निकल गए थे, जो हट रह गई थी, जो छत किनारे जो रह गए थे, तो बाकी लोग सुरक्षित स्थान पर हैं। अभी फिलहाल इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि बाकी लोग सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, बड़ी लापरवाही थी, जर्जर बिल्डिंग होने के चलते यह हादसा हुआ। हालांकि लापरवाही के चलते कई लोग घायल हुए हैं और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 12 लोगों घायल हुए हैं, वहीं 2 से 3 लोगों की मृत्यु हो गई इस हादसे में। एकाएक ये हादसा हुआ आगरा में, जहां पर एक खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। बढ़ते हैं आगे, सोनभद्र की क्राइम ब्रांच और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मां बेटे समेत 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों की गिरफ्तारी के पास से लूट के 43,000 रुपए नकदी साथ ही कई चीजें बरामद की गई हैं। बता दें कि ये सभी लुटेरे सोनभद्र से सटे बिहार के वैशाली जिले के निवासी हैं। एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ये सभी लुटेरे चोरी की योजना बनाकर सोनभद्र जिले में आते हैं और चोरी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वापस चले जाते हैं। जन मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है और इनको संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे 18 तारीख को रोवर्सगंज में एक बुजुर्ग व्यक्ति से 50,000 रुपये की झपट्टा मार करके छिनैती की घटना हुई थी। वो जो है बैंक से पैसा निकाल करके और पोस्ट ऑफिस में जमा कराने के लिए जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अभियुक्तों द्वारा ये घटना कारित की। इसमें हमारी रोवर्सगंज कोतवाली SOG स्वाट और चौकी इंचार्ज सुकृत, इनके द्वारा लखनऊ इलाहाबाद राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो रायबरेली में यह हादसा हुआ,
जिसमें ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई। सिद्धार्थनगर जिले में बहने वाली राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके बहाव से तहसील डुमरियागंज के तकरीबन 4 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की जद में है। 1000 बीघे से ज्यादा धान की फसल नष्ट हो चुकी है। इसी क्रम में तहसील डुमरियागंज के ग्राम पंचायत चौराग बंगवा में बाढ़ का आलम यह है कि बाढ़ से फसलें नष्ट हो गई हैं। लोगों के पास खाने पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक उन लोगों को कोई सरकारी मदद मुहैया नहीं हुई है। जहां प्रशासन हर साल बाढ़ से बचाव को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, वो सारे दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। धरातल पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ग्रामीणों के इन परेशानियों को देखते हुए भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं वितरण की गई है। मैं प्रधान संघ सिद्धार्थ नगर का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरा ग्राम चौरा एकदम बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरे घर में गरीबों के पानी भरा है, फसल बर्बाद हो चुका है। सरकार से और शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो भी सुविधा हो उनको मुहैया। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।